हेलो फ्रेंड्स, आप ऐसे कंबाइन तो हर कहीं ना कहीं देखे ही होंगे जहाँ किसानी खेत करते हैं बड़े बड़े पैमाने पे। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को काटने में ये बहुत ही घंटों का काम मिनटों में निपटा देता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं कि ये कार्य कैसे करता है ना। इसका मैकेनिज़्म बहुत ही आसान है। आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें कुछ रोटर लगे हुए हैं, है ना, और कुछ गियर्स लगे हुए हैं और कुछ फैन लगे हुए हैं जो इसे सारे मैकेनिज़्म को अच्छी तरीके से पूरा करते हैं। इसके ऊपर कुछ ब्लेड लगे हुए हैं जो उसी मैकेनिज्म पर काम करते हुए सारे वेस्टेड को इस कंबाइन से बाहर निकाल देते हैं। और इसमें फ़ैन लगा हुआ है जो फैन चालन विधि में हेल्प करता है और इसे सारे वेस्टेड को बाहर निकाल देता है। आप देखें कि यहाँ से कुछ एक पाइप लगा है जिसके माध्यम से जो भी अनाज होते हैं वो ऊपर के गोदाम में जाकर शिफ्ट कर दी जाती है, जहाँ मतलब उसको स्टोर कर दी जाती है, और उसे बड़े पाइप के माध्यम से इस कंबाइन से किसी दूसरे टैंकर या एक जगह पे गिरा दी जाती है, जिससे अनाज पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।